बीच में चंदन जी का कभी भी मौका आ जाए। क्लियर है चंदन जी? दिक्कत नहीं है चंदन जी? ऐसा नहीं कहेगा कि आज आए पहला क्लास में और स्टेज पे उतार दिए सुजीत सर। मेरा टॉपिक है बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन की शुरुआत 1895 से 1901 के बीच में हुई थी। या आंदोलन जो है, बिरसा आंदोलन का जो है एक खुटखुटी व्यवस्था थी, जो खुटखुटी व्यवस्था थी जिसको भू राजस्व व्यवस्था में बदल दिया गया। इसी के कारण जो है बिरसा आंदोलन हुआ था। बिरसा आंदोलन का सामाजिक कारण महिलाओं पर रहा और इसमें जो है सामाजिक रहा था। और जो कि सर कोई यहाँ देखने वाला नहीं, एकदम रिलैक्स होके और आ गया। हाँ, जो ईसाई धर्म थे उनको इन्होंने अपनाया था मुंडा, लेकिन बाद में ये वैष्णव धर्म में चेंज हो गए थे। अब बिरसा अपने आप को जो है वह सिंह भोगा का दूत कहता था। सिंह भोगा सर एक भगवान के अवतार के रूप में। और फिर सर इसका परिणाम सर हुआ कि दो अनुमंडल इसमें बने थे। एक सर बने थे खुटी आंदोलन खुंटी सर, और एक साइड सर नाम का या कुछ है। दूसरा परिणाम सर यह हुआ कि मतलब यह आंदोलन जो है सर कंफ्यूज है। चंपारण आंदोलन का कारण बताओ मुझे। राजनीतिक कारण सर, इसमें जो है सर जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाई जा रही थी। Good. पहला। और दूसरा सर इसमें जो है कि ये निधे जो है वो अपने ज़मीन पे ना करवा करके जो वो किसान थे उनके ज़मीन पे ये खेती करवाए जा रहे थे। तीन कट्ठिया पद्धति थी सर, 20 कट्ठे की ज़मीन थी उस पर जो है 3 कट्ठे पे जो है नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। कैसा लगा अंजलि? यहां आने वक्त तो दिक्कत लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है ना? चलो आओ रूही आओ और जल्दी आओ, लेट नहीं करो, तू क्लास भी लेना है ना। यहां सामने, यहां तो आओ सामने, वहां देखेगी तो मैं स्क्रीन पे। हाँ, आज पूरी टीचर बनेगी। आज सुजीत सर नहीं है, आज तो थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। अब गप नहीं कीजिए प्लीज सर। चंपारण सत्य, हाँ हाँ जो करना बोलो, तो बोलो वही बहुत है सर। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये ऐसा भारत में प्रथम ऐसा आंदोलन था जो सत्य और अहिंसा के लिए लड़ा गया था। सर चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य था तीन कट्ठिया पद्धति को समाप्त करना, क्योंकि सर उसमें मतलब कि अंग्रेज के द्वारा यह सीमित कर दिया गया था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका परिणाम क्या निकला सर? तीन कट्ठिया पद्धति का परिणाम यह निकला कि उसमें जबरन जो वसूली किया गया था उसका 25% जबरन वसूली को वापस कर दिया गया था, और सर कर को भी हटा दिया गया था। परिणाम तो यही था। एक बताए थे ना डीप लेक सर, डीप सर वहाँ देखिए, वहाँ कैमरा आपका। हाँ सर, डिफेक्ट है कि मतलब उसमें आप छवि मतलब किसी भी इंसान को आप उसका छवि उसके पिक्चर को बदल, हाँ पिक्चर को मतलब बदल सकते हैं सर, मतलब हाँ। उसका पिक्चर को बदल सकते हैं, उसके अनुरूप आप किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी संस्था है सर, इसे भी हम ब्लैकमेल कर सकते हैं किसी भी फर्जी वीडियो डाल के। मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मतलब संस्था में अगर आपका मैं फर्जी वीडियो सर बना के डाल दी आपके नाम से, तो फिर मैं आपको ही ब्लैकमेल कर सकती हूँ ना, आपका भी रेपुटेशन खराब हो सकता है सर। ये सर सेलिब्रिटी के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, सेलिब्रिटी में भी कर सकते हैं। किसी जैसे कि सर हाल फिलहाल देखे न्यूज़पेपर में आए दिन आते रहता है 2-3 स्टार के बारे में तो आ गया, फिर इसका बिजनेसमैन वाले के साथ भी कर, किसी के साथ भी हो सकता है डिफेक्ट। मतलब एग्जाम्पल हम देते थे क्लास में बच्चों पे, समाज पे, घर में, वो इसी करके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं।
ये बोले रुकिए, आज एग्जाम्पल हम आप में चिपकाते हैं, मतलब ये छवि भी बदलेगी तो हमारी संस्था का। आइए चंदन जी मेरे पास आइए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, जो आएगा एक ही मिनट आएगा, एक ही मिनट बोलना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, अच्छा फील हो रहा है अंदर से, यही चीज तो सिखाना मुझे अगले जनवरी तक। सबसे पहले तो सर ऐसा अवसर अभी से पहले कभी मिला नहीं है, आज ये अवसर मिला है हमको, लेकिन किसी विशेष टॉपिक को हम तैयार करके नहीं आए थे, लेकिन इस अवसर मिला है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि अगली बार किसी विशेष टॉपिक पर हम बोलेंगे। ये पूरा नेता की तरह कि आप किसी को अपना मतलब बेइज्जती को बचाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको मौका दिए, हम मौका दिए हैं, हम मौका आज तक दिए हैं किसी को, आज तक किसी इंसान को मौका दिए हैं, आपको लगता भी है मौका देते हैं, हम तो हर बॉल चौका मारते हैं, क्या घुसाना तो हमारा डीएनए में है एक, इसलिए मौका हम कभी दिए नहीं है। चंदन जी आप हमको सबसे आसान टॉपिक जो है असहयोग आंदोलन है, पढ़े असहयोग आंदोलन जी, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, किस पे बोल सकते हैं, जिस पे आपको दिल करे, थोड़ा ही बोलिए, बोलिए तो सही, हम चिंतक नेहरू जी हैं, उनके चिंतक के बारे में बोल सकते हैं, बोलिए। पंडित नेहरू एक समाजवादी चिंतक थे, जो मार्क्स के चिंतक से बहुत प्रभावित थे, हालांकि मार्क्स का चिंतन वो तानाशाही भी था और हिंसक भी था, लेकिन पंडित नेहरू हिंसा का विरोधी थे, और बिना हिंसा किए हुए वो समाज में समानता लाना चाहते थे, वो गरीबों अमीर के बीच में जो फ़र्क थी उस फर्क को मिटाना चाहते थे, उसके लिए वो उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे और उसमें किए भी बहुत हद तक। उनका मानना था कि समाज में जो अवसर है वो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और जितने भी संसाधन हैं संसाधन तक भी समाज की हर वर्ग की पहुंच होनी चाहिए, परंतु ये सब सारी बिना हिंसा के ही होना चाहिए, जैसे वितरक मूलक लोकतांत्रिक प्रथा है उसके आधार पर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा। एक चीज़ तो ताली तो बाद में, एक चीज़ तो ज़रूर रुकिए, एक चीज़ तो ज़रूर है कि पहला दिन आना और पहले दिन ही आके स्टेज पे दो लाइन बोल देना, ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको हल्के में कभी मत लीजिएगा, कम से कम इतना तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं सामने खड़ा हो सकता हूँ, और जो सामने खड़ा हो सकता है ना वो कभी भी दहाड़ सकता है, कभी भी दहाड़ सकता है, बस सामने खड़ा होने की इतनी सी हिम्मत होनी चाहिए, और वो आपका आता है कहाँ से, यहाँ से। और अगर आज यहाँ खड़ा होकर थोड़ा सा चिंतक से बात शुरू किए, नेहरू जी से बात शुरू किए, ये बहुत ही बड़ा क्या है, पॉजिटिव मैसेज है, किनके लिए, इनके लाइफ के लिए, ये कम बात है क्या, पहले दिन आना, इतने दिन से बैठे हुए हैं, 15 दिन से क्लास कर रहे हैं, सो तो आने से पहले, नो सर मेरे को नहीं, उसको, उसको नहीं उसको, यह है बड़ी बात की नहीं है, शायद हम सबको सीखना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं इन सबको भी सीखना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू चंदन जी, ठीक है। अब आएंगी रानी, आओ रानी, नाम बुलाते होंगे ना तो अंदर ही अंदर न, कई लोग कहते होंगे भगवान करे सुजीत सर मर जाए, पक्का ऐसे बात करना जैसे लगे कि सास से बात करना है, पूरा टाइट होके। संथाल जो ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों साहूकारों और मतलब महाजनों यानी गैर आदिवासियों के द्वारा जो है कि मतलब आदिवासी जनजातियों पर
मतलब किए गए अतिक्रमण के कारण यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1855 से 56 के बीच स्टार्ट हुई, जिसके प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू चांद और भैरव थे। ये मतलब संथाल विद्रोह के जो है बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण भी हुए, जिसमें से प्रमुख कारण आर्थिक कारण, कुछ आर्थिक कारण बने, जैसे अस्थाई बंदोबस्त लागू होना, जबरन वसूली, उसके बाद सिर अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल के क्षेत्र से लाया गया। यह जो है जमींदारों पर लगाई गई, मतलब जमींदार होते थे, उसके बाद ये जो है जबरदस्ती जो है किसानों से छीनकर ऋण नहीं चुकाए जाने पर जो है किसानों से मतलब आदिवासी जनजातियों से छीनकर जमींदारों को इसका हक दे दिया जाता था, जिसकी वजह से यह आंदोलन छिड़ गया। और इसके जो कुछ धार्मिक कारण हुए वो ईसाई मिशनरियों द्वारा मतलब दबाव आदिवासियों को धर्म परिवर्तन पर दबाव देना था, और महिलाओं का यौन शोषण भी साहूकारों जमींदारों के द्वारा किया जाता था। और इस मजदूरी की बात हो, बाल विवाह की बात हो, सती प्रथा की बात हो, सारी यहाँ पे क्या थी, सारी प्रथाएं जो चल रही थी सबकी सब किसकी चल रही थी, और हाँ इसका जो तत्कालीन कारण बना वो उस संथाल क्षेत्र यानी भागलपुर से वर्धमान तक के का क्षेत्र, उसमें रेलवे लाइन की पटरियों को बिछाया गया, जिसमें जबरन मतलब बेगाड़ी करवाया गया उन लोगों से, बेगाड़ी मतलब मजदूरी करवाया गया। उसके बाद दरोगा हत्याकांड, जिसमें से कुछ मतलब कुछ संथालों को दरोगा द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर मतलब संथालों में जो है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, वेरी गुड, सुपर। पहली बार है तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है, नो डाउट है ना। कैसा लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में? बड़ा खुशी मिलती, लगता है कि बस भारत रत्न मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ सीट पे, है कि अब वहाँ से उठ के यहाँ आना इसका मतलब लगता है डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ने जा रहा हूँ, पता नहीं मर के आऊँगा या जी के आऊँगा, है कि नहीं। अब आएंगे राजेश जी, आइए राजेश जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर। टुडे माय टॉपिक इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी डे आई लर्न ए न्यू थिंग, समथिंग हॉन्ट्स मी एंड कॉन्स्टेंट बट आई डोंट नो ए लॉट। इट मीन्स क्लियरली से दैट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जमींदारी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट सिस्टम। इट मीन्स नो दैट लैंडलॉर्ड्स वॉज द ऑनर इन द जमींदारी सिस्टम। 90% पार्ट टोटल एरिया ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, 90% पार्ट्स कवर्ड इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नाउ इट्स द फाउंडर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रैयतवाड़ी सिस्टम। टोटल पार्ट्स ऑफ इन द रैयतवाड़ी सिस्टम 51% पार्ट इन द रैयतवाड़ी सिस्टम, इट्स ऑनर वॉज रीड एंड मोनलो। इन रैयतवाड़ी मेन फार्मर्स वॉज द ऑनर ऑफ हिज ऑन लैंड। Now I'm talking about Mahalwadi. Mahalwadi was given by Holt and Mackenzie in 1822. Its the total part is the 13% part of the land. So that's the main reason for any revolt, that's the economic cause, and the three taxes was the main reason of India for the any revolt, like in 1857 revolt, yeah, any satyagraha or any, that's the main funda is economics, economic reason was the main cause. Thank you. Very good. Super. इसको कहते हैं कि एकदम नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना, है ना? आप हिंदी मीडियम हैं, मतलब इधर उधर की बातें करना, यही कारण होता है शायद हम लोग सीखना चाहिए, हम जैसे टीचर को और आप जैसे स्टूडेंट को भी, एकदम नपे तुले शब्दों में, कोई इधर उधर की बातें नहीं जरूरी है 5 मिनट बोलना, लेकिन 3 मिनट ऐसा बोलना कि पूरा अट्रैक्शन का क्या हो, एकदम खींच ले पूरा, मतलब समझ में। ऐसा मत समझिएगा कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं और इनकी बड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन भी स्टोरी में जाएंगे तो इनकी भी हम क्लास लगा देंगे, है कि नहीं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला गलत नहीं करता, बहुत बड़ा गलती करता है कि नहीं,
गलती होता ही है, लेकिन ये होता ना पातला। अब आएंगे यहाँ पे कौन आएंगे, पूजा आजा, पूजा दूसरे को बहुत धक्का देके भेजती है, अब आओ तुम अपने, चलो तो किरान लाए। ठीक है आओ आओ तो यहां पे, छोड़ेंगे तो किसी हालत में नहीं, चाहे 2 घंटा इसे ही माइक पकड़ना पड़ जाए। जितना घूमना घूम लो, आना तो यही है, छोड़ेंगे तो किसी हालत में नहीं। पैसा लिए हैं, जो वादा किया तो पूरा करेंगे ही करेंगे। आना हंसे की क्या बात है, रिलैक्स। मेरा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। सत्याग्रह के मूल तत्व पर आधारित ब्रिटिश शासन पर ब्रिटिश शासन के हर प्रकार से असहयोग ना करना ही असहयोग आंदोलन कहलाया। 1920 में नागपुर अधिवेशन में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, जिसके मूल कारण थे कि असहयोग आंदोलन के मूल कारण जो बने, पृष्ठभूमि जो बनी, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि तुर्की में खलीफा के पद को हटाने की वजह से असहयोग आंदोलन का कारण बना, और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की वजह से रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड प्रमुख कारण बने, और वस्त्रों का नुकसान, भारतीय वस्त्रों का नुकसान, विदेशी वस्त्रों को अपनाना और भारतीय वस्त्रों का नुकसान, विदेशी वस्त्रों को जलाना जिसमें स्वदेशी को अपनाना, तो ये सारे मूल कारण बने जिसमें हर क्षेत्र में असहयोग आंदोलन फैला। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी ने सहयोग दिया, और महिलाओं ने भी बहुत भूमिका निभाई, जिसमें विध्वांसिनी देवी, हर्षने चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन, उस चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ, नहीं 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो कांड हुआ था, उसी के कारण असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया फाइनली। और चौरा चौरी कांड जो था, जिसमें चौरा चौरी यूपी के जगह पर चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें विदेश ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने ये कार्य किया था, जिसपे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। तो ये मूल कारण बना। चलिए एक बार ताली बनता, कोशिश की, थोड़ा बहुत गलती बोली लेकिन काम सही है, कम से कम इतना बोली, राहत मिला ना। कितना बोलो, कितना दर्दनाक चीज है। पढ़ लेना आसान है, लिख लेना बैठ के आसान है, वहां से क्वेश्चन पूछ के टीचर को परेशान करना आसान है, लेकिन जब टीचर परेशान करके सामने लाता है तो लगता है कि टीचर मर जाए, भगवान करे किसी तरीके से, है कि नहीं, है मुश्किल। झुक के मत रहिए, पूरा भी शरीर टाइट रखे, लंबा भी चलेगा, है कि नहीं, कि बहुत लंबा है। वो क्या कर रहे हैं, अपना पूरा शरीर को झुका रहे, हे प्रभु बस इनसे छुटकारा मिल जाए मेरे को, है कि नहीं, किसको, उनको तो आना ही आना। सबसे पहले आएंगे शिवम जी, आइए इधर से, अच्छा लग रहा ना, एक ही मिनट बोलिए ना, कोई सुनिए, हम 10 मिनट का जिनको जितना देर बोलने का इच्छा हो, देखिए ना, एक दिन के बाद जो है 1 घंटा बोलिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक था, जैसे क्लास में पूछते हैं कस के चिल्लाकर वैसे ही बोलिएगा यहां पे, ठीक है। हां, आज का मेरा टॉपिक है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के कारण और संथाल विद्रोह का
क्या सब कारण था, क्या था उसका उद्देश्य था, और आगे आने वाले आंदोलनों में इसका क्या भागीदारी रहा, इस भूमिका रहा, इस चीज़ को हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच प्रारंभ होता है, और इस विद्रोह का जो नेता हुए वो चार भाई थे। एक था सिद्धू, कन्हू, चांद और भैरव। लेकिन इस विद्रोह का मुख्य नेतृत्व जो करता है वो सिद्धू और कान्हू करता है। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो दरोगा हत्याकांड कह सकते हैं, दरोगा हत्याकांड ही था। लेकिन और भी इसके निम्नलिखित कारण थे, और यह जो फैला हुआ था तो यह फैला था भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था, और अधिक फैलने की वजह से इस क्षेत्र को दमन एकोह के नाम से हम जानते हैं, और इसका यही सब कारण है। अब हम इनके कुछ निम्नलिखित कारण को जानते हैं। तो कुछ निम्नलिखित कारणों में आ जाता है आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, अन्य कारण आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को जानेंगे। तो राजनीतिक कारण के तौर पर 1793 का जो कर्णावली के द्वारा जो लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त पद्धति, और इस अस्थाई बंदोबस्त पद्धति के दौरान किसानों पर अधिक कर लगा दिया गया था, और इस अधिक कर के वजह से जनजाति समुदायों को कर चुकाना बहुत मुश्किल हो गया, और गरीबी की स्थिति में वो जाने लगा था। और भी इनके कारण है, जैसे कि एक नया वन व्यवस्था लागू किया गया था, और उस वन व्यवस्था के अंतर्गत जो है जनजाति समुदाय के जो व्यक्ति थे उनको जो है सो वन में जाने से रोका गया, और वन जो होता था जनजाति समुदाय के लिए एक आर्थिक रूप से उनका एक रोजी रोटी होता था। और इस वन व्यवस्था के तहत जो नया वन व्यवस्था लाया, और इस वन व्यवस्था के तहत जो है इनका रोजी रोटी पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनका जो परिणाम होता है वो परिणाम कुछ इतिहासकारों का मानना है, जो इनके जो ये जो जनजातीय आंदोलन हुए थे, ये जनजातीय आंदोलन और भी आंदोलनों से अधिक ज़्यादा क्रूर और हिंसक हुए, और भी अधिक हिंसक हुए थे, और इसकी जो पृष्ठभूमि था वो भी तय किया गया था। और इसका कुछ जैसे कि आगे आने वाला आंदोलन, जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का जो नींव डाली गई थी वो संथाल विद्रोह में ही डाल दिया गया था। इसको हम दो चरण में रख सकते हैं। एक पहला चरण है जो कि हम रखते हैं 1720 से लेकर के 1855 से 56, और दूसरा चरण जो हम रखते हैं वो 1856 से लेकर के 1947 तक। लेकिन पहला चरण में जो होता है, जो 1770 से लेकर के 1856 के बीच में, उसमें जनजातियों को जो है वह अपने समाज में हो रहे कुरीतियों को दूर करने के लिए या उन पर जो शोषण किया जा रहा था इस शोषण से बचाने के लिए लड़ रहे थे। उनके धर्म के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा था उसे बचाने के लिए, दिकुओं को, जो दिकु आए हुए थे उनके समाज का जो परंपरा था उस परंपरा को जो खत्म कर रहे थे उसके वजह से 1800 जो थे वह एक जमींदार वर्ग होते थे और वो जो है जनजातियों से बाहर के व्यक्ति होते थे, गैर आदिवासी होते थे, उसमें सब आ जाएंगे, गैर आदिवासी होते थे। और गैर आदिवासी जो भी होगा जो ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट कर रहा है तो वो जो है एक प्रकार का जमींदार वर्ग ही कहलाएगा सर, ठीक है। तो उसके वजह से 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा जाता था जो कुछ ईसाई मिशनरी आए थे और वो ईसाई मिशनरी को स्वतंत्र रूप से भारत में जो है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए छूट दे दिया गया था, और इसी वजह से उनके जो उनको जो है जबरन जो है धर्म कुछ प्रलोभन दे करके धर्म का जो है सो परिवर्तन करवाया जा रहा था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसके कुछ जो आगे आने वाला जो आंदोलन होता था, तो जैसे 1857 की क्रांति हुई और भी जनजातीय आंदोलन होता था, इसमें जो है सो हमारा जो ये संथाल है वो भाग लेना प्रारंभ कर दिया था, और यह निरंतर चलता रहा 1820 से लेकर के 1855 से लेकर के 1947 तक। इसका सर यही परिणाम निकला था, और आगे आने वाले जो आंदोलन था उसको उसका नींव जो है पृष्ठभूमि तय किया था। इसीलिए कार्ल मार्क्स का एक कथा, कार्ल मार्क्स जो है वो अपना एक पुस्तक लिखते हैं द कैपिटल, और उस द कैपिटल में जो है इसका वर्णन किया है, जो संथाल विद्रोह एक भारत में होने वाले आंदोलनों का एक जन्म तय किया, अर्थात उनका जो है एक नींव रखा और यह एक पृष्ठभूमि तय किया। तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक में इसका वर्णन, संथाल विद्रोह का वर्णन किया गया है। अब आप देखिए कि जितना देर यहाँ पे आ रहे थे उतना देर देख रहे हैं, पता चला
ऐसे से क्या हो रहा था, इनका इनका क्या सबका काम रहा था, ऐसे से सबका क्यों कांपता जी, सब ऑटोमेटिक हिल रहा था, हाँ बिना सुनामी के सुनामी चल रहा था जीवन में, क्यों, क्योंकि बगल में बैठे हुए थे, आपको देख क्या था डर लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कंटिन्यूटी में ये रहा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, 100% एक दिन खत्म हो जाएगा, और मैं खत्म करके ही मानूंगा। आप जितना रोना है, इसीलिए पहले क्या होता था, डेट फिक्स होता था कि शुक्रवार को होगा, लेकिन जब देखते कि शुक्रवार हुआ, लड़के लोग लड़की लोग क्या है निकल जाती थी खाली। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया, कोई डेट वोट कुछ नहीं होगा, जो टॉपिक पे बोलना, बस ध्यान रखना कि आज जो टॉपिक बोली है या बोले हैं, कल ये टॉपिक नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम में याद रखिएगा, क्योंकि तुरंत यहीं पे फिर बेइज्जती, सामने बेइज्जती बड़ा गंदा होता, क्योंकि सामने क्या है, लाइव चल रहा है सेशन, पूरा लाइव चल रहा, पूरा इंडिया में दौड़ रहा तुम्हारा, इस समय जब आप यहां आके बोल रहे हैं तो इंडिया के हर एक कोने में जा रहा है, हर जगह जा रहा आपकी आवाज, और दुनिया देख रहा, क्लियर है। आइए निकलिए। मेरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या था, क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर उसके लिए हम वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो है हमारे हम लोग का जैसे बहुत सारा डाइवर्स ग्रुप होता है, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग का बहुत सारा डाइवर्स ग्रुप है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है कि किस तरह से जो है किस तरह से जो लोग हैं, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा, इसलिए क्योंकि बता रहे पॉलिटिकल एजेंडा, इसलिए क्योंकि क्योंकि समाज में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप हैं और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ में जो है सबका डिसीजन जो है किसी एक इंसान को ही लेना है, पूरे नेतृत्व करना है मतलब पूरे समाज का, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है बैठाई जाती है, तो गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है हम लोग के बिहाफ में। तो इसलिए जो भी पॉलिटिकल एजेंडा जो डिसाइड हो रहा है, डाइवर्स ग्रुप जो भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग का टॉपिक ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को क्यों ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत है हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डाइवर्स ग्रुप जो है उनके अलग अलग डिसीजंस होते हैं, अलग अलग उनके अलग हाँ, तो डाइवर्स ग्रुप जो होते हैं उनके कोई बात नहीं, इतना बोले ना पता चला ना गलती कहाँ हुआ। एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे आना और यहाँ बोलना यही बड़ी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछिएगा, एक तो ऐसे ही वो बेचारा डरा हुआ आता, उसके ऊपर से अगर आप उसको क्वेश्चन दागिएगा तो जो वो सोच के आया है, एक तो हम उससे रिलेटेड पूछते तब तो वो डर रहा, वो आपको दिख नहीं रहा, वो इसी से कर रहा, वो आपको पता नहीं चला, हमको पता चल रहा ना क्या हालत हो रहा है, एक चीज है। लेकिन जब ये देखेगा ना लोग, जब इस वीडियो को लोग देखेगा ना, तो लोग को आप पे गर्व होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसको ये होगा कि अभी मात्र एक साल तैयारी का हुआ और आप यहां आके बोल रहे हैं, वो बोल भी नहीं सकते, 5 साल 6 साल की तैयारी हो गई है, लेकिन अगर सामने ले आए तो हवा ना निकलती है, सांस ढंग से नहीं ले पाते हैं, आप तो बोल लेते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। ऐसे आप पॉजिटिव रहना सीखिए,
गलत बोल रहे हैं चंदन जी, लोग बोल नहीं पाते हैं सामने खड़ा होके। अभी कौन चंदन जी तो थे, चंदन जी देखे ना कैसे एग्जाम्पल, बड़ा सौभाग्य की बात है मुझे आधे से ये सोचे कि हम पतली गली से निकल जाएंगे। अरे सुजीत सर के पास आयो भाई, तब तक तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा ब्लड ना निकल जाए शरीर से बाहर। गन्ने को देखे हो ना भाई, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, पूरा छाती से लेके गला तक अपना खराब कर देते हैं और हम आपको इसी छोड़ देंगे। गन्ने की तरह एकदम पूरा रस निकाल लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, और आपके मुंह से निकलवा लेंगे। अब सर ऊपर कीजिए राणा जी, टाइमिंग आ गया आपका, ठीक है ना। आइए राणा जी, निकलिए बाहर। स्वेटर तो इतना डेंजरस पहने हुए हैं, ओह जैसे हम पढ़ाते हैं, हाँ अच्छा लगे, कुछ सट के बोलिएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा टॉपिक है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भारतीय इतिहास में एक रुक जाइए, सब लोग डिसाइड किए थे कि संथाल को ही आज तोड़ेंगे क्या, मेंस में पूछ दिया संथाल तो संथाल, कोई बात नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। मुंडा विद्रोह बोल देते हैं, मुंडा विद्रोह संथाल नहीं, मुंडा विद्रोह बहुत लोग बोल चुके हैं संथाल विद्रोह, कोई बात नहीं, संथाल बहुत अभी ट्रेंडिंग में है। अच्छा बोलिए संथाल, नहीं मुंडा ही बोल देते हैं, वो भी याद है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मुंडा, मुंडा विद्रोह जो है यह एक जनजातीय विद्रोह था। ये मुंडा विद्रोह जो था ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में फैला गया था, उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र हुआ करता था। और जाना जाता है कि जो मुंडा विद्रोह था ये जनजाति विद्रोह था, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे, किसान वर्ग थे, वो जो भी जनजाति थे, वो पारंपरिक खेती किया करते थे, जिस वजह से उसको खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता था। और इस वजह से जो अंग्रेज प्रेसिडेंसी थी उनको कर के लिए उनको राहत मिलता था, यह देखते हुए अंग्रेजी प्रेसिडेंसी ने उनकी जो मतलब पारंपरिक व्यवस्था थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिससे मुंडा जनजाति थे उनको आहत हुआ, क्योंकि इस वजह से उनकी क्योंकि इससे उनकी क्या थी तो जो भी जनजाति थी उसके वो अपने धार्मिक इसे जुड़े हुए थे, उनकी जो जितने भी सारे जो जनजाति थे वो अपने धार्मिक स्थल से जुड़े हुए थे, खेती प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उनकी अपनी थी, वो उसको मानते थे। लेकिन भगवान को मानते थे, सिंकोंग को मानते थे, सिंगबोंगा भगवान को मानते, सिंगबोंगा भगवान पेड़ नहीं, सिंगबोंगा भगवान को मानते थे। और मतलब अंग्रेज प्रेसिडेंसी ने उसको खुटकट्टी व्यवस्था को जो समाप्त कर दिया था, इस वजह से उन लोगों में व्यवस्था थी क्या, खुटकट्टी व्यवस्था थी कि सामूहिक खेती थी, पारंपरिक खेती थी, तो इस वजह से वहाँ के जो किसान थे वो आहत हो गए। और अंग्रेजों ने उनको दमन करने के लिए उन्हें बहुत सारी मतलब जो दमन करने के लिए उनके पुलिस व्यवस्था से उनको दबाया गया, प्रशासनिक व्यवस्था से दबाया गया, अंग्रेजी व्यवस्था से उनको दबाया गया। वो उससे उभरने के लिए वहाँ के सामूहिक रूप से एक बिरसा मुंडा नाम के एक ये थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सारे जनजातीय समूह को एकत्र किया और अपने अधिकारों के लड़ने के लिए उनको प्रोत्साहन किया। और बिरसा मुंडा ने उनको कहा था कि हम मैं भगवान का रूप हूँ जो आप लोगों की मतलब मदद करने के लिए आया हूँ, आप लोगों को आपकी जो व्यवस्था है वापस लौटाने आया हूँ। इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला कि जो मुंडा जनजाति थी, मुंडा जनजाति थी, सबसे पहला इसका निगेटिव पॉइंट ये हुआ कि उस मतलब उस विद्रोह में सिर्फ जनजाति इन्वॉल्व हुए थे, बड़े मतलब जो जमींदार थे, जो भी बड़े लोग थे, वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, उसमें अहिंसात्मक की कमी रह गई थी, जिस वजह से ये असफल रहा। और इसमें माना जाता है कि इसका धार्मिक आंदोलन बनकर, ये एक धार्मिक आंदोलन बनकर सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया, छोटा नागपुर से ये बाहर नहीं जा पाया, जिससे वो एक बड़ा आंदोलन के रूप क्षेत्रीय आंदोलन रह गया था। और इसमें माना जाता है कि इसका मुख्य मतलब कारण था कि इसमें महिलाओं का थोड़ा बहुत योगदान था, बच्चों का योगदान था, किसानों का था, और ग्रामीण क्षेत्र पे जहाँ पे लोग मतलब खेती करते थे ये सिर्फ खेती तक ही सीमित रह गया, इसके बाहर ये नहीं जा पाया, इस वजह से ये मुंडा विद्रोह जो था वो असफल रहा। थैंक यू। राणा जी भी बड़ी कोशिश की इस बार कि बहुत आप हमारी बेइज्जती करते हैं सुजीत सर, इस बार हम अपना जलवा दिखाते हैं, बहुत कोशिश की है, भले माइक को थोड़ा फेंके इधर उधर, ठीक है ना, इको आवाज़ जो सुन रहा होगा उसको इको आवाज़ जा रहा होगा, सर किसको उतार रहे हैं, इको नहीं कहता हेलो 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 हेलो, है ना, ऐसे से कर हम बार बार करते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा होगा ना राणा जी, है ना। अब चलेंगे यहाँ से विवेक जी, आइए विवेक जी आ जाइए, कोई बात नहीं, हंसने वाले को हंसने दीजिए, है ना, हंसता हुआ घर बसता, हाँ कोई चेहरा नहीं, नहीं नहीं लगा, इसे पकड़िए ना, आप कितना लगाइएगा बार बार खोलिए, आराम से बैठिए, ले जाइए और मुंह के पास, हाँ चलिए
जो दिल करे आराम से रिलैक्स होकर, जिसको जो करना करने दीजिए, आप बोलिए, पैसा दिया आप बोलने के लिए। संथाल विद्रोह की व्याख्या कीजिए, अभी क्वेश्चन आया था सर उसी पर मतलब बोल रहे हैं, मेंस में आया था। यस सर, हाँ बताइए, संथाल करवाइए व्याख्या। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में भागलपुर के राजमहल से बंगाल के वर्धमान तक फैला हुआ था। संथाल, कोई बात नहीं, जहाँ भूल गए छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, बोलिए सही, धीरे धीरे सुधार होगा, है कि नहीं, बोलिएगा तब, छोड़ दीजिएगा तो फिर वही रह जाइएगा जहाँ चले, कोई बात नहीं, गलत ही बोलिए, कौन सा है दिक्कत, बोलिए। तो जो आप दूसरा चीज बोलिए, चंपारण बोलिए, गीत गाइए। संथाल विद्रोह 1855-56 में मैंने बोला, ठीक, भागलपुर के राजमहल से बंगाल के वर्धमान तक फैली हुई थी, इसका मतलब रेलवे लाइन फैलाया गया था सर, इसका आर्थिक कारण था, इसका सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण था। इसका आर्थिक कारण था कि इसमें जो है साहूकार और महाजन, जिसको मतलब दीपू कहते हैं, दीपू जो था आदिवासियों को ऋण अगर देता था तो 50 से 500% तक उसको कर वसूली किया जाता था। दीपू कौन होते थे? दीपू गैर आदिवासी लोग जो थे, वो 50 से 500% तक कर वसूली करते थे। जिससे क्या हुआ कि मान के चले जो किसान जमींदार थे, जमींदार किसान होने लगे, किसान जो है मजदूर होने लगे, मजदूर फिर पलायन होने लगे, मजदूरों के